वेलकम टू डीएनपी इंडिया। लगातार कोरोना का कहर जारी, भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 83,883 कोविड 19 केस, 1,043 की हुई मौत। दिल्ली से सटे मूर्थल में मशहूर सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारियों को हुआ कोरोना, स्वास्थ्य विभाग फिर हुआ चिंतित। दिल्ली में 9 सितंबर से ट्रायल बेस पर बार खोलने को मिली इजाजत, सरकार ने जारी की एसओपी। भारत में 118 ऐप पर प्रतिबंध, चीन के लिए बड़ा झटका, सिर्फ पबजी पर पाबंदी से 8.4 करोड़ डॉलर के नुकसान का हुआ अनुमान। कॉलेज छात्रा का फर्जी प्रोफाइल बनाकर भेज रहा था अश्लील मैसेज पोस्ट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, सरफराज अहमद ने छोड़ी इतनी आसान स्टंपिंग, लोगों ने जमकर किया ट्रोल। 2020 माइस्ट्रो H110 BS6 से कंपनी ने हटाया पर्दा, वेबसाइट पर लिस्ट हुई स्कूटर। श्रीलंका के पास तेल टैंकर में लगी आग, चालक दल का एक सदस्य अभी भी लापता। बिग बॉस 14 को होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिलेंगे 450 करोड़, हर एपिसोड के 20 करोड़ लेंगे सलमान। सुशांत सिंह केस में बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन के मामले में गिरफ्तार हुआ जैद, 9 सितंबर तक रहेगा रिमांड पर। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिए, फॉलो भी कीजिए।